हाय, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन सी डॉट क्यू। इस क्वेश्चन में बोला गया है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ 10 डिफरेंट पॉइंट्स आर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड। मतलब कि हमारे पास में 10 डिफरेंट नंबर कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि कीबोर्ड के थ्रू एंटर करवाने हैं। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लास्ट टू पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस फ्रॉम द लास्ट पॉइंट टू फर्स्ट पॉइंट। मतलब कि जो फर्स्ट पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट हमारे पास में है, उन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हमें इसके अंदर निकालना होगा। इसके अंदर इन्होंने हिंट दिया हमें, सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कंजुगेटिव पॉइंट जो होता है वो हमें इसके अंदर निकाल के देना है कि 10 कोऑर्डिनेट्स है वो हमें इसके अंदर एंटर करवाने पड़ेंगे। तो एंटर कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में पॉइंट वन है, उसके अंदर हमें दिया हुआ है एक्स वन वाई वन, पॉइंट हो गया टू, उसके अंदर हमें दिया हुआ कितना x2 एंड y2, ये हो गया हमारे पास में वेरिएबल्स। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो हो गया, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन p2 एंड p1, ये कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ किसका, एक्स टू माइनस एक्स वन, इसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन, उसके बाद स्क्वायर ऑफ वाई टू माइनस वाई वन, इन दोनों का सम और सम का स्क्वायर रूट, ये आ गया। इसके बीच में आ जाएगा यहां प्लस और इन दोनों को आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो उसके बेस के ऊपर हम निकाल देंगे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हमें ये बोला कि फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो भी हम देंगे उसके बीच के जो डिस्टेंस है उसको टोटल काउंट करेंगे, जैसे एस वन हो गया, एक्स टू हो गया, पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर। अब पॉइंट वन से लेके पॉइंट टेन के बीच की जो डिस्टेंस है, डायरेक्ट हम फॉर्मूले से निकाल देंगे पॉइंट टेन माइनस पॉइंट वन, एक तो कैलकुलेशन वो निकलेगी और बाकी जो टेन पॉइंट हमने दिया है उनके कंजुगेटिव डिस्टेंस निकालेंगे, उसको लास्ट में फाइनली हम ऐड कर देंगे। तो देखते हैं दोनों का डिफरेंस कुछ आता है या सेम आता है, क्योंकि आना तो बिल्कुल सेम ही चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रोग्राम के ऊपर, किसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे। प्रोग्राम में हम चल रहे हैं, न्यू फाइल सेव करी हमने किस नाम से, CH14 अंडरस्कोर CQ.C हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main। सबसे पहले हम लिख देते हैं हमेशा CLRSCR फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन, GETCH फॉर होल्डिंग द स्क्रीन आउटपुट। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे दो पॉइंट लिए हुए हैं 10, उनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल रखी है एक्स एंड वाई। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि अगर हमें वेरिएबल लेना डबल के अंदर, तो डबल ले लेते हैं, डबल के अंदर हमने ले लिया एक्स 10, दूसरा वेरिएबल ले लिया हमने डबल वाई 10। अब हमें एंट्री करवानी है पूरे पूरे पॉइंट्स की, तो पॉइंट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री। तो उस तरीके से टोटल पॉइंट्स हो गए हमारे पास में किस तरीके से, तो पॉइंट्स के बीच के जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास में निकले किस में, डबल के अंदर, तो उसको बोल दिया हमने डी, ये भी हम निकाल देंगे इसके अंदर 10 के अंदर। अब जब भी हम बात करते हैं एरे के, तो एरे को ट्रेवर्स करने के लिए हम एक वेरिएबल यूज करते हैं जिसको हम जनरली बोलते हैं आई। आई जब हमने बोला है तो सबसे पहले हम इनपुट में क्या लेंगे, सबको कीबोर्ड के थ्रू एंट्री करवाएंगे कि सभी वेरिएबल्स को कीबोर्ड के थ्रू एंट्री किस तरीके से लेते हैं। ये हमने बोल दिया प्लस एन एंटर 10 कोऑर्डिनेट, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो निकालेंगे किस तरीके से, फोर आई को स्टार्ट कर दिया हमने जीरो से, I को लेस देन लेके जाएंगे n तक, ये हो जाएगा I प्लस प्लस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को स्कैन करना, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ x परसेंट d, और इसको यहां पे बोल दिया हमने I,
ये वैल्यू निकल जाएगी। उसी तरीके से हम दूसरा वेरिएबल निकालना है तो उसको बोल देंगे परसेंटेज डी, लेकिन वो कितना हो जाएगा हमारे पास में वाई आई। वैल्यू ऑफ वाई आई, ये वैल्यू हम यहाँ पे इसकी एंट्री करवा देंगे। एंट्री करवाएंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें स्कैन ऐप, स्कैन ऐप करा हमने कैसे, परसेंट एल एफ, क्या निकल गया, गया एक्स आई। उसी तरीके से वाई आई को हम इनपुट के अंदर ले लेंगे, इसको कॉपी करा हमने और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हो जाएगा हमारे पास में वाई आई। तो उनकी वैल्यू यहाँ पे निकलती हुई चली जाएगी और यहाँ पे लगाते हम क्या, एम परसेंट, एम परसेंट। अब ये तो हमने फाइल सेव कर दी है, ये सब एंट्री जो हुई है इसको एंट्री को हमें वापस से चेक भी करना है कि किस तरीके से हमने वैल्यू जो ली है वो वैल्यू प्रॉपर है कि नहीं है, तो नीचे हम वापस इसको प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट किस तरीके से करवाएंगे, प्रिंट एप, पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे कि पॉइंट वन क्या आ रहा है, पॉइंट परसेंट डी इक्वल टू परसेंट एल एफ कॉमा परसेंट एल एफ, और ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स, पॉइंट वन हो गया, ये हो गया दिस। अब इनकी वैल्यूज को किस तरीके से प्रिंट करेंगे हम, पॉइंट वन की वैल्यूज आ गई है तो यहाँ पे बोल देंगे एक्स आई, और ये हो गया हमारे पास में वाई आई। नीचे की वैल्यूज को हम यहाँ पे पूरा क्लियर कर देंगे और न्यू लाइन कैरेक्टर को हर बार इसके अंदर ले लेंगे, इंट्रोड्यूस करवा दिया। F2 हो गया, इसको हमने कंट्रोल F9 करवा रन करवाया, एरर आ गई, अनडिफाइंड सिंबल n, n अनडिफाइंड सिंबल है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे हमने मैक्रो डिफाइन नहीं करवाया है, डायरेक्ट वैल्यूज ले रखी है 10 तक इसको रन करवाना है, तो यहाँ भी इसको 10 तक ले जाते हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में 10 तक ही बोला हुआ है। इसको हमने रन करवा दिया इसके साथ, एंटर 10 कोऑर्डिनेट, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स जीरो, एक्स जीरो की वैल्यू हमने निकाल दी थी 1, वाई जीरो की बोल दी हमने वाई, एक्स वन की वैल्यू आ गई है 1, ये 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, मतलब कि x की वैल्यू तो हमने सेम रख दी है और y की वैल्यूज को हम इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, तो ये हमारे पास में 10 वैल्यूज आ गई है, x 9 की वैल्यू आ गई 1 एंड y 9 की वैल्यू आ गई हमारे पास में अब 10। तो वैल्यूज क्या आ गए हमारे पास, पॉइंट जीरो के देखिए कितना आ गया, 1 से 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10, तो इस तरीके से पूरी वैल्यूज हमारे सामने आ चुकी है। ये वैल्यू आने के बाद में अब हमें क्या करना है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इसके साथ ही एक और वेरिएबल निकाल देते हैं। यहाँ पे देख लिया हमने डिस्टेंस निकालने के लिए, हम यहाँ बोल देते हैं कितना डी, एक वेरिएबल ले लिया हमने यहाँ पे डी वाला, तो इसके अंदर जो आ रहा है हमारे पास में डी आई की वैल्यू को स्टोर किस तरीके से करेंगे, स्क्वायर रूट एस क्यू आर टी निकालेंगे किसका, पावर ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये वैल्यू कब निकलेगी, जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन होगी जीरो के साथ में, तो इसको क्या करेंगे हम अलग से कर देते हैं इसको, तो ये पॉइंट टू पॉइंट वन के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, फिर पॉइंट टू पॉइंट थ्री के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, जस्ट ये कॉपी करा। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस जब भी निकालेंगे तो दो पॉइंट के बीच में निकलेगी, तो फर्स्ट वाले पॉइंट को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि उसको माइनस करना पड़ता है, और उसको हम वन से स्टार्ट करेंगे, लेस देन वन तक लेकर के जाएंगे। तो अब जो डी आ रही है हमारे पास में डी आई माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या होगी, एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा पावर ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन, इसका हो जाएगा हमारे पास में कितना स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर हो गया, उसके साथ में हो जाएगा प्लस, ये स्क्वायर रूट था, ये इसने यहां बंद करना था,
इसी को ये हुआ स्टार्ट, ये पावर आया, इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, शिफ्ट इंसर्ट, एक्स की जगह पे कितना आ गया अब हमारे पास में वाई। तो ये हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन, इसका पूरा स्क्वायर रूट निकाल दिया तो वो उसके बीच की निकल गई डिस्टेंस। तो ये निकल जाएगा हमारे पास में डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट परसेंट डी एंड परसेंट डी इज इक्वल टू परसेंट एल एफ आ जाएगा हमारे पास में। आई टू आई माइनस वन और ये लास्ट में आ जाएगा हमारे पास में कितना, इसकी वैल्यू डी आई माइनस वन, ये वैल्यूज हमारे सामने आ चुकी है। अब इनकी वैल्यूज आ गई है तो उसको हम रन करा के चेक कर लेते हैं कि वैल्यूज हमारे पास में सही आ रही हैं कि नहीं आ रही, कोई एरर तो नहीं आ गई। एरर आ गई हमारे पास में वाई एक्स, ये वाई एक्स नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था केवल वाई। इसको हमने कर दिया सेव, कंट्रोल एफ नाइन। तो देखिये वैल्यू, अब कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखेंगे हम, एक्स की वैल्यू तो कर रहे हैं हमेशा जीरो, वाई की वैल्यू कर रहे हैं हम वन से स्टार्ट कर रहे हैं, वन टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स वन सेवन वन एट वन नाइन वन वन टेन। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट वन एंड पॉइंट जीरो इज दिस, उसके बाद में डोमेन अगर कुछ आ रहा है इज इन दिस, कुछ वैल्यू हमारे पास में कुछ गड़बड़ हमने यहाँ पे शो कर रखी है कि डी आई माइनस वन आ गया, इसकी वैल्यू आ गया हमारे पास में दिस एंड दिस, परसेंट डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में, ये प्रॉपर वैल्यू जो आनी थी वो वैल्यू आ चुकी है। इस वैल्यू को डी आई माइनस वन तो कर दिया, तो एक वेरिएबल अलग से ले लेते हैं हम डिस्टेंस नाम से, ताकि इसको हम चेक भी करते रहेंगे स्टोर भी करते रहेंगे। DST की जो वैल्यू आ रही है वो उसको हमने यहाँ पे सेट कर दी है डीएसटी, और ये डी आई माइनस वन की जगह पे हम प्रिंट क्या कर देंगे डीएसटी। अब वैल्यू असाइन भी करते हो जाएंगे डी आई माइनस वन, उसके अंदर वैल्यू डाल दिया हमने डीएसटी। अब इसको मैं सेव करा दिया, कंट्रोल एफ एन से रन करा दिया, ये आ गया वन 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 टू वन थ्री वन वाई थ्री की वैल्यू आ गई हमारे पास में फोर वन फाइव वन सिक्स वन सेवन वन एट वन नाइन वन वन टेन। तो पूरी पूरी आ गई कि पॉइंट वन एंड पॉइंट जीरो के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है 25740। पावर निकल रही है, वैल्यू कुछ गड़बड़ आ रही है, इसकी वैल्यू हम ठीक करके चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। तो ये इसका आउटपुट आ गया पॉइंट वन एंड पॉइंट जीरो के बीच की डिस्टेंस आ गया हमारे पास 1.41, पॉइंट टू एंड पॉइंट वन के बीच की डिस्टेंस आ गई, पूरी कॉन्जुगेटिव डिस्टेंस निकल गई है। अब हमें निकालना है लास्ट पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को, तो वो कैसे निकालेंगे, हमने सेव कर दिया इसके अंदर वैल्यूज को आई माइनस वन एंड डिस्टेंस, ये वाली सीरीज एक के वैल्यू को हमने यहाँ पे निकाल दिया है। अब जब हमें निकालना है कि सबसे लास्ट और सबसे फर्स्ट वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने, तो किस तरीके से निकालेंगे डीएसटी हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, उसको क्या करेंगे सेम इसी फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और यहां हमने कर दिया इसको पेस्ट, पेस्ट कर दिया तो यहां पे आएगा हमारे पास में कितना एक्स नाइन माइनस एक्स जीरो, और ये आ जाएगा वाई नाइन वाई जीरो, एफ टू कर दिया। इसके बाद में हम इसको प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एफ प्लस एन डिस्टेंस बिटवीन लास्ट एंड फर्स्ट पॉइंट इज परसेंट
एल एफ और ये आ जाएगा हमारे पास में डी एस टी, इसको हमने रन करा दिया तो आउटपुट हमारे पास कितना आ गया 12.727922, ये हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल गई। अब हमने जो कॉन्जुगेटिव डिस्टेंस निकाली थी उसको अगर हम सम करेंगे उसके बावजूद भी हमारे पास में सेम वैल्यू निकलनी चाहिए, तो यहाँ पे हम डी एस टी को कर देते हैं 0.0 और फोर लूप वापस रन करा देते हैं फोर आई इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन 10 आई प्लस प्लस। यहां पर हम शुरुआत क्या कर देंगे, इनकी जो डिस्टेंस निकालनी होगी उनको यहाँ पे कंबाइन करते हुए चलेंगे और डीएसटी के अंदर ऐड कर देंगे। डीएसटी के अंदर क्या करेंगे, डीएसटी प्लस डी आई, ये वैल्यू जिसके अंदर ऐड होती हुई चली जाएगी। कहां से कहां तक चलेगी, 10 तक नहीं जाएगी, ये 9 तक ही जाएगी क्योंकि लास्ट पॉइंट वहां पे खत्म हो जाता है। उसके बाद कॉन्जुगेटिव एड्रेस के थ्रू जो हमने कैलकुलेशन के थ्रू जो हमने निकाला है उसको हम वापस से हमें कॉपी करते हैं, उसको यहाँ वापस से पेस्ट कर देते हैं और चेक कर लेते हैं क्या चीज आ रही है। डिस्टेंस बिटवीन लास्ट एंड फर्स्ट पॉइंट, ये वापस इसको प्रिंट करा दिया। तो जब हमने कॉन्जुगेटिव एड्रेस को कॉन्जुगेटिव डिस्टेंस जो होती है उन सबको ऐड करा तो भी हमारे पास आउटपुट कितना आ रहा है 12.727922, और जब हमने फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकाला तो भी हमारे पास आउटपुट कितना आ रहा है 12.727922। तो इस तरीके से हमने पूरे फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर दिया, जस्ट एक मैथमेटिकल फॉर्मूला था जिसको हमने प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करा है। तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच के अंदर जो भी लाइन ड्रॉ होगी उसकी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। ओके थैंक यू।